हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माइनर कॉर्ड फैमिली निकालने के ट्रिक्स। तो मैंने आपको कल मेजर कॉर्ड फैमिली के ट्रिक्स बताए थे जो कि आपने देखा होगा, तो उसी प्रकार से आज हम माइनर कॉर्ड्स के लिए करेंगे कि कोई भी सॉन्ग अगर माइनर कॉर्ड में प्ले हो रहा है, तो माइनर स्केल में प्ले हो रहा है, मतलब अगर कोई भी सॉन्ग है वो माइनर स्केल पे है, तो उस माइनर स्केल के नोट्स के जो कॉर्ड लगेंगे उसको हम माइनर कॉर्ड्स फैमिली बोलते हैं। माइनर स्केल के द्वारा बनाया गया कॉर्ड या कॉर्ड्स का समूह माइनर कॉर्ड्स फैमिली कहलाता है। तो वो ट्रिक्स आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फॉर्मूला के द्वारा। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, अच्छे से देखिए, और कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। और फ्रेंड देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो एक ऑक्टो होता है उसमें 12 नोट्स होते हैं, और 12 नोट्स का अलग अलग स्केल और अलग अलग कॉर्ड्स के उसके फैमिली होते हैं, ठीक है। जैसे एक नोट्स है सी है मान लो, तो सी के 7 कॉर्ड्स फैमिली होते हैं, मैंने मेजर कॉर्ड में बताया था, जैसे सी के ही 7 कॉर्ड्स फैमिली होते हैं। तो उसके उसके बाद आप आगे भी जाते जाओगे, सी शार्प के भी साथ रहेंगे, डी के भी साथ रहेंगे, डी शार्प के भी साथ रहेंगे, ई के भी साथ रहेंगे, एफ के भी साथ रहेंगे। इस प्रकार सभी नोट्स के साथ साथ कॉर्ड फैमिली होते हैं। तो मैं आपको सभी का एक एक नोट्स का कॉर्ड फैमिली निकाल के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, फार्मूला बता रहा हूँ, और 2-3 नोट्स का कॉर्ड फैमिली निकाल के बता रहा हूँ। उसके बाद सेम ट्रिक्स या सेम फार्मूला के द्वारा आप उसे प्रैक्टिस करेंगे और खुद ही निकाल के देखेंगे, क्योंकि मैं सब बता दूंगा तो आपका प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस के लिए ये सब आपको ज़रूरी है, आप खुद निकालिए, खुद इस फार्मूला को अप्लाई करके देखिए। उसके बाद अगर आपको डाउट होता है तब मुझसे पूछिए, तो मैं आपको तुरंत ही क्लियर करूँगा। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं कीबोर्ड में और देखते हैं आगे की वीडियो को। तो फ्रेंड हम अपने कीबोर्ड पे आ चुके हैं, तो अभी हम देखेंगे माइनर कॉर्ड फैमिली निकालने के फॉर्मूले। तो हम चलिए देखते हैं। तो आपने पिछला वीडियो में देखा था मेजर कॉर्ड और मेजर कॉर्ड निकालने के फॉर्मूले मैंने आपको बताया था, तो आप अच्छे से उसे पढ़िए समझिए। उसके बाद चलिए ये वीडियो में देखते हैं अभी माइनर कॉर्ड्स का। तो मैं आपको अच्छे से पेन में लिख के समझाता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है और उसे हम कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला। तो फ्रेंड मैं अभी आपको समझाऊंगा पेपर और पेन में कि हम माइनर कॉर्ड फैमिली कैसे निकालते हैं। ये भी मेजर कॉर्ड के ही जैसे है, पर माइनर कॉर्ड का फार्मूला अलग हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं माइनर कॉर्ड फैमिली निकालने का फार्मूला। तो इसमें भी आपको मेजर कॉर्ड के जैसे ही आपको इसमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला स्केल, माइनर स्केल, सभी नोट्स का माइनर स्केल पता होना चाहिए, और सेकंड में है यहाँ पे कॉर्ड पता होना चाहिए, माइनर कॉर्ड सभी नोट्स का आपको पता होना चाहिए। तो देखिए हम इसमें देखते हैं फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या है देखिए माइनर कॉर्ड निकालने का, ये भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आएगा माइनर, उसके बाद आएगा डिमिनिश्ड, उसके बाद आएगा मेजर, उसके बाद आएगा माइनर, उसके बाद आएगा फिर माइनर, उसके बाद आएगा मेजर, उसके बाद आएगा फिर से मेजर। तो ये है माइनर कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला, माइनर, डिमिनिश्ड, मेजर, माइनर, माइनर, मेजर और मेजर। तो फ्रेंड ये जो 7 कॉर्ड्स है इनके ही समूह को हम कॉर्ड्स फैमिली बोलते हैं। 7 यहाँ पे हमारे सप्तक भी होते हैं, जैसे सारे गम प ध नि या सी डी ई एफ जी ए बी, यहाँ तक जो 7 यहाँ नोट्स होते हैं उसके ही 7 अलग अलग कॉर्ड्स हैं, इसके ही समूह को हम कॉर्ड्स फैमिली बोलते हैं। तो चलिए इसको भी हम कीबोर्ड पे चलते हैं और प्ले करके देखते हैं और समझते हैं कि सभी नोट्स का अलग अलग माइनर कॉर्ड्स हम कैसे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड आपने अभी देखा माइनर कॉर्ड फैमिली निकालने के फॉर्मूले, तो उसे हम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कीबोर्ड पे कि हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो हम अभी देखते हैं सी शार्प माइनर का, ठीक है, सी शार्प माइनर का कॉर्ड फैमिली देखते हैं। तो सी शार्प माइनर का कॉर्ड फैमिली जानने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, एक तो है स्केल और दूसरा है कॉर्ड। तो सी शार्प माइनर का स्केल क्या होता है ये देखिए, ठीक है, ये है सी शार्प माइनर स्केल। तो देखिए इसमें आपको ऊपर में फॉर्मूला दिख रहा है, तो उस फॉर्मूले के हिसाब से कॉर्ड्स को इस पे अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले आता है माइनर, ऊपर देखिए पहले में लिखा है माइनर, तो सी शार्प का लग जाएगा यहाँ पे माइनर। सी शार्प का माइनर क्या होता है, सी शार्प, ई और ये जी शार्प, ये हो गया सी शार्प माइनर, ठीक है। उसके बाद सेकंड नोट्स क्या है, डिमिनिश्ड, तो डिमिनिश्ड देखिए, तो डी शार्प का लगेगा यहाँ पे डिमिनिश्ड, डी शार्प का डिमिनिश्ड होते हैं डी शार्प, एफ शार्प और ए, ठीक है, ये हो गया डी शार्प डिमिनिश्ड। उसके बाद नेक्स्ट नोट है ई, तो ई का लगेगा मेजर, ऊपर देखिए थर्ड में है मेजर,
और यहाँ पे स्केल का थर्ड नोट है ई, तो ई का लगेगा मेजर। ई का मेजर क्या होता है, ई, जी शार्प और बी, ठीक है। उसके बाद है माइनर, तो एफ शार्प, एफ शार्प का लगेगा माइनर। एफ शार्प का माइनर होता है एफ शार्प, ए और सी शार्प, ठीक है। उसके बाद है फिर से माइनर, जी शार्प। जी शार्प का माइनर क्या हो जाएगा, जी शार्प, बी और डी शार्प, ठीक है। उसके बाद है मेजर, तो यहाँ पे ए, ए का मेजर हो जाएगा ए, सी शार्प और ई, यहाँ पे हो जाएगा ए मेजर। उसके बाद है फिर मेजर, तो यहाँ पे नेक्स्ट नोट है बी, तो बी का लग जाएगा मेजर। बी मेजर होते हैं बी, डी शार्प और ये एफ शार्प, ठीक है। तो इतने सारे नोट, तो इतने सारे कॉर्ड आएंगे एक सी शार्प माइनर स्केल के अंदर, जो कि है सी शार्प माइनर, डी शार्प डिमिनिश, ई मेजर, एफ शार्प माइनर, जी शार्प माइनर, ए मेजर और बी मेजर। तो इतने सारे में से ही कॉर्ड लगेंगे अगर कोई गाना प्ले हो रहा है सी शार्प माइनर स्केल पे, तो इस तरह हम निकालते हैं। उसके बाद एक और देखते हैं डी का, तो डी का निकालने के लिए डी माइनर स्केल का पता होना जरूरी है। तो डी माइनर स्केल क्या होता है, ये देखिए, ठीक है, ये होता है डी माइनर स्केल। तो ये डी माइनर स्केल के नोट्स को ऊपर फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए तो आपको वहां से निकल के आ जाएगा डी माइनर कॉर्ड फैमिली। तो सबसे पहले है डी, तो डी का माइनर, डी माइनर होगा डी, एफ और ए, ठीक है, ये हो गया डी माइनर। उसके बाद नेक्स्ट नोट है ई, तो ई का लगेगा डिमिनिश्ड। ई का डिमिनिश्ड होता है ई, जी और ए शार्प, ठीक है, ये हो गया ई डिमिनिश्ड। उसके बाद नेक्स्ट है मेजर, तो यहाँ पे एफ, एफ का लगेगा मेजर। उसके बाद है जी, जी का लगेगा माइनर। जी का माइनर होता है जी, ए शार्प और डी, ठीक है, ये हो गया जी माइनर। उसके बाद है ए, ए का भी लगेगा यहाँ पे माइनर, ठीक है। उसके बाद है मेजर, तो यहाँ पे नेक्स्ट नोट है ए शार्प, ए शार्प का लगेगा मेजर। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे सी, तो सी का भी लगेगा यहाँ पे मेजर। तो ये निकल के आ गया डी माइनर के कॉर्ड फैमिली, जो कि है, एक बार और देखिए, डी माइनर, ई डिमिनिश्ड, एफ मेजर, जी माइनर, ए माइनर, यहाँ पे है ए शार्प मेजर और यहाँ पे है सी मेजर। तो इतने सारे कॉर्ड्स, इसमें सात नोट्स आएंगे डी माइनर स्केल पे। तो ये है टेक्निक कॉर्ड फैमिली निकालने के। मैंने आपको दो अभी माइनर स्केल निकाल के बताया, आप इसे अपने से ट्राई कीजिए। सभी नोट्स का अलग अलग निकालिए, कॉपी पे लिखिए, अपने जो नोट्स बना रहे हैं उस पर लिखिए, और समझ नहीं आता तो नोट्स देखिए, और उसके बाद भी अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए, तो मैं आपको जल्दी से क्लियर कर सकूँगा। तो फ्रेंड देखिए, अभी मैंने आपको दो नोट्स का बताया, मैं आपको पूरे नोट्स का नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सेम ही यहाँ पे फॉर्मूला से वहाँ पे हम निकाल सकते हैं, तो उसे आप निकालिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो। तो आपने देखा मेजर और माइनर दोनों का देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कॉर्ड शिफ्टिंग। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम गाने में कॉर्ड्स कैसे निकाल सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी तक का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।